बिजनौर का किसान एक बार फिर से गुस्से में है, जिसके पीछे बड़ा कारण है गन्ना समिति के चुनाव में डेलीगेट पद के लिए दाखिल किए गए नामांकन पत्रों का खारिज किया जाना। कल किसानों ने कलेक्ट्रेट पर धरना दिया और इसके बाद किसान सीधे तहसील पहुंचे और वहां जाम लगा दिया। जाम की खबर पर एसडीएम मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाने का प्रयास करते हुए बताया कि पर्चे नियमानुसार कैंसिल किए गए हैं, लेकिन किसानों का कहना था कि सत्ता के दबाव में पर्चों को कैंसिल किया गया है। कुछ वक्त के बाद किसान जेल भरो आंदोलन के तहत जेल पर जमा हो गए। वहां पर किसानों ने उन्हें गिरफ्तार किए जाने की मांग उठाई। जिलाध्यक्ष ने ऐलान किया कि सभी किसान थानों का रुख कर लें, अब वह वहीं से अपनी गिरफ्तारी देंगे। इसी को लेकर आज भी दिनभर सभी जिलों के थानों पर किसानों का जमावड़ा लगा रहा। क्या नाम आपका, किस पद पर तैनात है? मोनू चौधरी, युवा ब्लॉक अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन। आज थाने पर धरना है, क्या मामला है? आज थाने पे तो हम प्रोग्राम पहले से ही बनाना चाह रहे थे, विचार विमर्श चल रहा था, लेकिन हमारा इस बीच में जिले में 3 दिन से धरना चल रहा था गन्ना समिति में। अभी जो गन्ना समिति के चुनाव हुए हैं उनमें लोकतंत्र की हत्या हो गई, पेपर निरस्त कर दिए गए और वही पेपर छोड़े हैं जो बीजेपी के समर्थक लोग थे, जो पार्टी के समर्थक लोग थे। भाई जब इन्हें कराना था चुनाव इसी तरीके से कराना था तो ऊपर से नाम भेजते कि पब्लिक को परेशान कर रहे थे। दूसरा, हमारे इस थाने में, हमारे इस ब्लॉक के 5 गांव में चोरी हो गई, अभी तक उसका कोई खुलासा नहीं हुआ और बहुत ही पुलिस नाकाम है, कोई खुलासा नहीं कर रही। भाई किसान दिन में काम करे, रात को पहरा चल गया, हर गांव में पहरा चल गया, बताओ इससे संसार कोई और बात नहीं हो सकती। हम विचार विमर्श करके खुद ही कल परसों में खुद ही थाने में बैठने वाले थे। धन्यवाद हो जिलाध्यक्ष का जो उन्होंने रात में आदेश करा और हम यहाँ बैठ गए। अब यहाँ से जब ही उठेंगे, एक तो चोरी का खुलासा और दूसरा जिलाध्यक्ष का जो निर्णय होगा, जो आदेश होगा उसी का हम पालन करें। ठीक है, जो थाने पे धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या मामला है? भाई मामला तो यहाँ गन्ने के जो समिति के चुनाव के मामले हैं उसमें जो पर्चे निरस्त करे थे शासन के दबाव में, भाई उसके लिए हमारा वो है कि लोकतंत्र की हत्या करी जा रही है एक शासन के मतलब जो दबाव में, मतलब जो सत्तारूढ़ वाले हैं उन्होंने कहीं ना कहीं प्रशासन को दबाव दिया और पर्चे इनके कैंसिल किए।